8th March 2019, हम भगवत गीता चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 5 और पेज नंबर 452 का जो पैराग्राफ, ये काफी लंबा पैराग्राफ था, तो समाता इक्वानिमिटी से हम स्टार्ट करेंगे। अहिंसा तक शायद मैंने बोल दिया था, प्लस होलिस्टिक डिस्कशन होगा। आज ट्राई करूंगी ज्यादा बड़ा सेशन ना बनाने के लिए, लेकिन ऑलरेडी काफी लंबा गैप हो गया और काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया भगवद गीता सेशन के लिए, तो एटलीस्ट एक छोटा सेशन तो बनता है। मैं बोलती हूँ छोटा, फिर फाइनली वो लंबा हो ही जाता है, तो आई विल नॉट प्रॉमिस एनीथिंग। आप लोग एज यूजुअल अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी राइट। हम इन्वोक करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंद, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण भगवान, आपकी बहुत बहुत कृपा हम पर, जो आप उंगली पकड़कर हमें चलना सिखा रहे हैं। आप हमें एवरीडे अवेयर करा रहे हैं कि हमें किस चीजों का त्याग करना चाहिए और कौन सी चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपके प्यार और आपका विश्वास हम पे जो है, वही हमें क्वालिफाइड बना देता है। हमारी ऐसी कोई भी पहचान नहीं है, लेकिन जब हम ये कहलाते हैं कि हम आपके भक्त बनने की कोशिश करते हैं, वही हमारा टैग बन जाता है, वही हमारी पहचान बन जाती है। तो हम नतमस्तक होके आपके चरणों में सब कुछ समर्पण करते हैं। हम चाहते हैं कि हम इम्प्रूव हो जाएं, हम चाहते हैं कि हम दोबारा आपके पास पहुंच जाए, और हम चाहते हैं कि हम वैल्यूएबल एसेट बने इस यूनिवर्स के लिए। तो जो भी अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड टेंडेंसीज, अनवांटेड हैबिट्स हमारे अंदर है, उसका त्याग करने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। बिना आपके सहायता का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो भी ये भगवद गीता सेशन सुन रहे हैं, उन्हें डिविनिटी के साथ कनेक्ट करवा दीजिए। उनके और उनके फैमिली पे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। उन्हें प्रोटेक्ट करिए नेगेटिव थॉट्स से, उन्हें प्रोटेक्ट करिए अनवांटेड इमोशंस से, उन्हें प्रोटेक्ट करिए नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव एलिमेंटर्स, ब्लैक मैजिक एनर्जीज से। उन्हें सारे नकारात्मक चीजों से आप प्रोटेक्ट करिए प्रभु। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हर स्टेप में गिर जाते हैं, आप ही फिर से हाथ पकड़कर हमें उठाते हैं, तो आपका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। वी थैंक यू इन फुल फेथ, सो बेट। अच्छा, रिवीजन करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। वेरी इम्प्रेस्ड विद द इंटेंस ग्रुप मेंबर्स, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोग रिस्पॉन्सिबल और ज्यादा हो गए हो, और इससे मुझे काफ़ी रिलैक्स लगता है। आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हो, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो, जैसे मैं हमेशा चाहती थी एज अ फैमिली। आपको ये समझ में आ गया है कि इस ग्रुप में सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ खुद का फायदा नहीं देखना है, दूसरों का भी हाथ पकड़कर खींचकर उठाना है और अपने साथ लेके चलना है। तो जो मेरी इच्छा थी वो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द इंटेंस ग्रुप मेंबर्स। जो दूसरे नॉर्मल ग्रुप में है, आप लोग भी अच्छा कर रहे हो, यू आर स्लोली गेटिंग देयर, एंड सून आप भी एलिजिबल हो जाओगे इंटेंस ग्रुप के लिए। एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस, एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मैं आपके प्रैक्टिसेस नहीं देखती हूँ। आपको कभी कभार ये गलत फहमी होती है, हाँ प्रैक्टिसेस डस काउंट यू टू बी एलिजिबल, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस करने से आप एलिजिबल हो ऐसा नहीं। मैं आपकी एनर्जी फील करती हूँ, और आपकी एनर्जी में अगर लव है, अगर सेल्फलेसनेस है, देन यू आर एनी वे क्वालिफाइड। और अगर आप सारे प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी में ह्यूमिलिटी नहीं है, ह्यूमिलिटी मतलब ईगो अगर है, तो देन यू आर डिसक्वालिफाइड। ईगो तो सभी में होता है, लेकिन हमेशा एक चीज हमें समझना चाहिए कि जो सर झुकता है उसी को आशीर्वाद मिलती है। हम भगवान के सामने सर क्यों झुकाते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है सर झुकाने का? यही है कि जब हम सर झुकाते हैं तभी हमें ज्ञान भी मिलता है, आशीर्वाद भी मिलती है। तो आप अकड़ कर रहोगे
तो कभी भी आपको ज्ञान और आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जब तूफान आता है तब जो पेड़ अकड़ के रहता है वो टूट जाता है और एक घास का तिनका जो झुक जाता है वो बच जाता है। तो हमेशा ये अगर हम बार बार खुद को समझाते रहे कि ईगो हमें थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, अपने लोअर इमोशंस कंट्रोल में रखने हैं, तो हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। और जो फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है वही तो झुकता है, और जो खाली बर्तन होता है वो ज़्यादा आवाज़ करता है। तो ये चीज़ हमेशा अगर हम याद रखें, हम्बल रहें, पोलाइट रहें, हम बहुत प्रोग्रेस कर सकेंगे। ओके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी इस हफ्ते इज फ्रॉम राधा कृष्ण सीरियल, जो स्टार भारत पर राधा कृष्ण सीरियल होता है, उसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखा। पता हमें सब कुछ रहता है, लेकिन हम कितने डीपली उसे एनालाइज करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो एकदम आप लोग रिलैक्स हो जाओ। जो अगेन मैं एक डीप नॉलेज को सिंप्लीफाई करके बोलूँगी, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप मुझसे कनेक्टेड रहे, आप बाकी सारे चिंताओं से खुद को थोड़ा सा डीलिंग करिए, जो भी इश्यूज आपके चल रहे हैं। मेरे साथ भी अगर आपके कोई इश्यूज हैं उसको भी डीलिंग करिए। आपको अगर मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मुझे ब्लेस करिए कि मुझ में इम्प्रूवमेंट आ जाए। नाराज़ होके मुझसे तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, हम नाराज़ होके किसी में तो परिवर्तन ला नहीं सकते। अगर आपको मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, आप फॉरगिवनेस साधना करिए, मुझे ब्लेस करिए कि रूपाली में ये पॉजिटिव चेंज आ जाए। लेकिन ये जो नॉलेज मिल रहा है उससे मुंह मत मोड़िए। मैं अलग हूँ, ये नॉलेज अलग है, मैं तो सिर्फ एक माउथपीस हूँ। ये नॉलेज ज़रूर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए अवेलेबल है। इसके साथ कोई वो मत करिए भेदभाव कि रूपाली बोल रही है इसलिए मुझे सुनना नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके ये भगवान कृष्ण मुझे सिर्फ एक माउथपीस यूज़ करके बोल रहे हैं, और मैं भगवान से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, हे प्रभु ऐसा कुछ भी ना बुलवाइए जो कि गलत हो, जो कि इनअप्रोप्रिएट हो। मैं पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करती हूँ आपके चरणों में, और आप मुझसे वही बुलवाइए जो भी ऑडियंस सुन रहा है, जो उनके लाइफ में हेल्प हो सके। बस मेरा इतना ही काम है इस जन्म में, मेरा इतना ही काम है प्रभु। राइट तो राधा कृष्ण सीरियल में दिखा रहे हैं अभी, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग डीपली कितना फॉलो कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि राधा माँ को ईर्षा वाला जो लोअर इमोशन है, मतलब जेलेसी वाला लोअर इमोशन है, उससे भगवान उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कृष्ण भगवान उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको पता है ये चीज़ कि जेलेसी अच्छी बात नहीं होती है, गुस्सा अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन क्या हमने कभी ये रियलाइज किया है कि ये जो जेलेसी, एंगर, हेट्रेड, व्हाटएवर जो भी लोअर इमोशंस है, वो कब ट्रिगर हुआ है हमारी जिंदगी में? तो बहुत ध्यान से अपने लाइफ को थोड़े पास्ट में जाइए। मैं बता सकती हूँ, जैसे मुझे पता है कि बचपन में मेरे अंदर कभी गुस्सा नहीं था, जेलेसी नहीं थी, लेकिन सीड था। ठीक है, मतलब बीज रहता है हमारे अंदर, और जब उसको राइट एनवायरनमेंट मिल जाता है, मतलब उसको खाद पानी मिल जाता है, तब उस बीज में से पेड़ निकलता है। तो मुझे याद है कि बचपन में चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था, एकदम शांत। मतलब सब लोग कहते थे, मुझे कहते थे कि अरे रूपाली, रूपाली के तो गले से आवाज ही नहीं निकलती है, रूपाली की मतलब नाराज तो हो ही नहीं सकती। मतलब मैं थी एकदम डोसाइल सी, शांत, सबकी बात मानने वाली, एकदम मुझे कहा जाता था ये हीरा का टुकड़ा है, जिसके घर में जाएगी उसके घर मतलब उसके घर में एकदम ब्राइटनेस आ जाएगी, ये सब बोला जाता था। लेकिन जब मैं बैचलर्स कर रही थी और आई वॉज इन सेकेंड ईयर, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, किसी लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, और दैट ट्रिगर्ड माई एंगर। तो वो पर्सन क्या था, वो बस एक चैनल था। ठीक है, जब इतने सालों बाद मैं उस चीज को रिव्यू करती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली मेरे अंदर वो सीड था, गुस्सा होने वाला सीड था, लेकिन उसको राइट सिचुएशन नहीं मिल रही थी, उसका राइट टाइम नहीं आया था। मतलब देखो, चिड़िया लोग
कितने सारे पेड़ के सीड्स ले लेके घूमते हैं, वो धरती पे गिर जाता है, पर तुरंत उसमें से पौधा नहीं निकलता है। जब बरसात की बूंदें उस पे गिरती है, सनलाइट उसको मिलता है, प्रॉपर टेम्परेचर होता है, तब उसमें से पौधा निकलता है। तो उसी तरह हमारे अंदर जो लोअर इमोशंस के बीज होते हैं, वो हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हमारे अंदर है, पर वो बीज होते हैं और उससे पौधा निकलता है। तो मेरे अंदर भी वो बीज हुआ और वो पौधा निकला। उसके बाद से मैं एकदम गुस्से वाली बन गई थी कि आई विल नॉट टेक एनी क्रैप, क्योंकि क्योंकि जब वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, दैट पर्सन ट्राइड टू अब्यूज मी, मैंने देखा मुझे हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आया, मुझे खुद को खुद बचाना पड़ा, जबकि इतने सारे लोग थे। तो वो मेरे अंदर एक ग्रज पैदा हो गया था कि जब मुझे ही खुद को बचाना है तो मैं किसी का बुलशिट टॉलरेट नहीं करूंगी। दैट समहाउ टर्न इनटू एंगर, जो कि थोड़ी बहुत मेल्स के प्रति नफरत में भी चेंज हो गई थी कि मेल्स ऐसे ही होते हैं नॉल। फाइनली तो स्पिरिचुअलिटी करते करते वो सब चला गया, लेकिन जो सीड है, ऑफ कोर्स गुस्से का सीड अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अब क्या है, सिस्टर शिवानी ने, मास्टर ने और कृष्ण भगवान ने इतनी छटाई की है कि वो ऊपर के डगालियां सब टूट गई है। हाँ, बचा कुचा थोड़ा रूट बचा है। हाँ, इतना हथौड़ा पड़ा, इतना हथौड़ा पड़ा। अच्छा, गुस्सा करेगी ले तड़म, गुस्सा करेगी तड़म। तो मेरे गुस्से को एनकरेज नहीं किया गया। तो क्या हुआ, अब सोच, अब देखो, ये है डेवलपमेंटल फेजेस। तुरंत वो नहीं निकला, पहले वो सीड को राइट सिचुएशन मिली, उसमें से पौधा निकला, पौधा पेड़ बना, रूट्स बने, फिर पौधे को छांटा गया और रूट्स को फिर धीमे धीमे रूट्स निकाला जा रहा है। थोड़ा बहुत बचा जो है वो भी धीमे धीमे निकल रहा है, थोड़ा बहुत बचा है, डीप रूटेड है, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा निकल गया। हाँ, है, अभी भी आता है, बट आई एम एबल टू कंट्रोल। तो पहले कंट्रोल वंट्रोल नहीं था, पुलिस वाले को भी डांट चुकी थी मैं, और वो सब मुझे सोचना नहीं पड़ता था किसी को डांटने से पहले। तो वट एवर इट इज, गुस्सा बुरा नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा होना चाहिए, बट राइट जगह पे दिखाना जरूरी है। तो अब मैंने वो गुस्से को इस तरह से मॉडिफाई कर दिया है कि वेयर इट इज नेसेसरी वहां पे दिखाऊंगी, क्योंकि वेयर इट इज नेसेसरी वहां भी बेवकूफों जैसे चुप रहो तो देन दैट बिकम्स ओमिशन, वो नहीं करना है। राइट जगह पे राइट चीज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख रहे हो आपकी बेटी के साथ कोई लड़का छेड़छाड़ कर रहा है, तब आप उसको गले लगा के फॉरगिवनेस नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बी एंग्री एंड यू हैव टू स्टॉप इट, क्योंकि आप उसको प्यार से बोलो भैया मत करो ना, तो वो तो सुनेगा नहीं ना, उसको कान के नीचे एक लगाना पड़ेगा, राइट? तो दैट इज, उस समय आपका गुस्सा यूज होगा टू प्रोटेक्ट समबडी। तो मैं अपने ग्रुप में देख रही हूँ कुछ लोग बहुत कंफ्यूज्ड है आउट ऑफ फॉरगिवनेस रिलेटेड। स्पिरिचुअलिटी करते करते आप लोगों की अगर रूटिंग नहीं होती है तो आपके चक्रास बैलेंस नहीं होते हैं, बैलेंस नहीं चक्रास होंगे तो आप ये टाइप की बहकी बहकी बातें करोगे, ठीक है? तो ये बहकी बहकी बातें मत करिए। बिग हार्ट चक्रा इज वेरी गुड, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, वो सब कुछ करना पड़ेगा। अगर कोई, आप अगर सोचो आप बस से जा रहे हो और कोई आदमी आपको बदतमीजी करता है, आपको छूता है, कुछ करता है, तब आप क्या उसको वहां पे बैठे बैठे फॉरगिवनेस साधना करोगे? फॉरगिवनेस साधना करनी है, बट आफ्टर डूइंग आउट ऑफ फॉरगिवनेस आप फिर इनफ फॉरगिवनेस करिए ना। उस समय तो आपको कंडक्टर को बुला के बोलना होगा कि ये बदतमीजी कर रहा है, उसको नीचे उतरवाना पड़ेगा बस से, फिर आप उसको हेट नहीं कर सकते हो। तो ये जो सारा जो प्रवचन मैं देती हूँ, दैट इज अबाउट इनर फॉरगिवनेस। ये ध्यान से समझिए, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हो। इनर फॉरगिवनेस के लिए इतना सारा प्रवचन है कि किस तरह हम अंदर से किसी को माफ कर दें, अंदर से नफरत ना करें, अंदर से सिर्फ प्यार रहेगा। लेकिन आउटर फॉरगिवनेस में जो नेसेसरी है वो करना पड़ेगा, वरना कृष्ण भगवान महाभारत का युद्ध क्यों करते? वो दुर्योधन को फॉरगिव कर देते, Isn't it? इतना सारा कांड क्यों होता, भगवत गीता क्यों बोला जाता? अर्जुन तो वैसे ही कह रहे थे कि जाने दो मैं रिश्तेदारों को क्यों मारू, जाने दो मुझे कुछ नहीं चाहिए, फॉरगिव भी तो कर रहे थे वो। तब क्यों कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं,
तुम्हें तो कर्म करना पड़ेगा, राइट? तो पूरा भगवत गीता ही रिलेटेड टू आउटर फॉरगिवनेस है, आप अगर ध्यान से देखो तो। और इनर फॉरगिवनेस भी है, क्यों? क्योंकि इनर क्यों है फॉरगिवनेस? क्योंकि हमारा तो कोई है ही नहीं, सब कुछ को तो भगवान ने हैंडल करके रखा है। तो ये सारा ज्ञान आपको इतने डीप में समझना होगा, ठीक है? राइट, सो अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि हमारे अंदर जो बीज होते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल जेलेसी, आप लोग अगर अपने अंदर झांक के देखो, आप बोलोगे नहीं हम तो जेलस नहीं है, इज इट? चलो एक सिचुएशन इमेजिन करो, आप लोगों, अब जो भी फीमेल्स हैं, आपके हस्बैंड किसी और लेडी पे लाइन मार रहे हैं, जस्ट इमेजिन करो, आपको गुस्सा आएगा कि आपको प्यार आएगा? हाँ, अभी बोलने के लिए मत बोलिए कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, उसकी मर्जी, नहीं 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 अंदर अंदर आप चलेंगे। तो अब देखिए इसके दो पार्ट्स हैं, आपके हस्बैंड जो कर रहे हैं दैट इज वन पार्ट, और आपके अंदर जो हो रहा है दैट इज अनदर पार्ट। आपके हस्बैंड जो कर रहे हैं वो जरूरी है करना, शांति से समझिए, अभी से उछल कूद के मारपीट नहीं करनी, ध्यान से समझिए। आपके अंदर जो सीड्स है उसको पानी खाद देने के लिए एक चैनल तो चाहिए कि नहीं, राइट? आपने अगर अपने गार्डन में एक बीज को बोया है तो एक गार्डनर तो चाहिए जो उसको पानी देगा, खाद देगा। तो वो गार्डनर का काम वो चैनल करता है, उस चैनल को आपने चूज किया है अपने लाइफ में जो आपको ट्रिगर करेगा और बोलेगा, दिखाएगा कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी आपको पैर में कांटा चुभ जाए, आप लेटे हुए हो आपको पता नहीं चलता, पर जब आप चलने लगते हो आउच करते हो ना, क्यों? क्योंकि वो दर्द आपको ये रियलाइज कराता है कि आपके अंदर एक कांटा है जिसको निकालना है। तो उसी तरह ये जब हमें पेन होता है, जब हमारे चैनल्स इस तरह से कुछ बिहेवियर करते हैं, वो पेन हमें ये इंडिकेट करता है कि देयर इज समथिंग इनसाइड अस व्हिच नीड्स टू बी टेकन आउट, व्हिच वी नीड टू गेट रिड ऑफ इट। तो ये चैनल्स पे गुस्सा करने से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे मुझे, मैंने जैसे बोला था, मुझे कभी नहीं लगता था कि मेरे अंदर जेलेसी का कोई सीड होगा, लेकिन शादी के बाद जब मैं अपने हस्बैंड और पूरे फैमिली के साथ इन लॉज के पास, मतलब इन लॉज के घर में आई, उस फ्लैट में एक लड़की शॉर्ट स्कर्ट पहन के आके उसने मेरे हस्बैंड से हाथ मिलाया, एंड दैट वॉज माई फर्स्ट ट्रिगर ऑफ जेलेसी। कुछ भी नहीं, सबके सामने बस हाथ मिलाया, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला शादी के लिए, लेकिन मैंने वो कभी फील ही नहीं किया था। उस समय मेरे दिमाग में आ गया था मेरे पति सिर्फ मेरे हैं। ओके, जो कि हिंदी फिल्म्स और बॉलीवुड मूवीज और हमारी अच्छी सी क्यूट सी फैमिली हमें ये हमारे दिमाग में घुसाती है। तो इस चीज से मुझे तब रियलाइज नहीं हुआ था कि वो एक जेलसी का सीड था जिसने फर्स्ट एक पू से अपना मुंह खोला, उसमें से तब पौधा निकलेगा ना, फिर पूरी स्टोरी होगी। तो क्या होता है कि ये सारे सीड्स हमारे अंदर होते हैं और हमारे लाइफ में ऐसे चैनल्स होते हैं जो आके हमें रियलाइज कराए, या तो बोलो हमारे सीड्स में पानी डाले। तो इन चैनल्स को आप मतलब नतमस्तक होके साष्टांग प्रणाम कीजिए, उनको हेट करना तो सवाल ही नहीं उठता। एक और चीज बताते हैं, देखिए आप सब लोग मानोगे कि जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको बहुत रुकावटें आती है, राइट? बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि पता है रूपाली, मैंने इसको इतना इतना हेल्प किया पर वो इतना एहसान फरामोश निकली, उसने फिर ये किया वो किया। ऑलराइट, तो एक चीज गांठ बांध के रखिए, आप अगर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहे हो, पॉजिटिविटी कर रहे हो, तो एहसान फरामोश लोग आपको बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। अब उसको किस तरह डील करना है? अब जब कोई आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता है, आपका आपका दिल तो दुखता है ही, विच इज बट नेचुरल कि आपने इतना हेल्प किया उस इंसान को, कुछ भी हो आपने उसका दुख दर्द सुना, लेकिन उसके बाद उसने आपको कितने बुरी तरह से आपको ट्रीट किया। तब जो मैंने पिछले एक दो भगवद गीता सेशंस में बताया था कि तब हमें सिर्फ ये समझना है कि हम बस एक चैनल थे, हमने चूज किया टू बी अ गुड चैनल। चैनल के भी टाइप्स होते हैं, गुड होता है, पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है।
अगर हम बैड चैनल होते तो इस तरह हम लोगों को मारते, पीटते, उनको दुख देते, बट हमने चूज किया कि वी वॉन्ट टू बी गुड चैनल। तो गुड चैनल को भगवान यूज करते हैं लोगों का अच्छा करने के लिए। मतलब भगवान ने बनाई बिरयानी और हम है चम्मच, भगवान ने हमारे जैसे चम्मच को यूज किया बिरयानी किसको देने के लिए, जो डिजर्व करता है। बिरयानी उसी के प्लेट में आके गिरेगा जो कि जिसने पैसे दिए हैं बिरयानी के, सबको नहीं मिलेगा। तो हम क्या है, हम है चम्मच। अगर हम खुद को समझने लगे कि हमने ही बिरयानी बनाई तो प्रॉब्लम है। तो आप लोग टेम्पररीली बिरयानी सर्व करने वाले चम्मच बने थे किसी के जिंदगी में, तो दुख होगा, बुरा लगेगा, मुझे भी लगता है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए आप लोग तो देखते हो मैं कितने शिद्दत से सबको प्यार देती हूँ, कितने शिद्दत से मैं ख्याल रखती हूँ, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि जब तक मैंने उनके हिसाब से बिहेव किया उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, जैसे ही मैंने ऐसा कोई एक्शन किया जो उन्हें अच्छा नहीं लगा उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, फिर उन्होंने मुझे पलट के भी नहीं देखा और उनका पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया। जो पहले कहते थे कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते, मेरे बगैर जी नहीं सकते, वो पूछते भी नहीं है। सो इससे हाँ दर्द होता है, लेकिन तब तक दर्द होता है जब तक मैं नॉलेज से डिस्कनेक्टेड रहूं। जैसे मैं समझ लेती हूँ कि कोई बात नहीं, उस इंसान का गुड कर्मा था और मैं गुड चैनल थी, मुझे भगवान ने यूज किया एज अ चम्मच उनको हेल्प करने के लिए, उन्हें सर्व करने के लिए, तो फिर मेरा कुछ भी नहीं रहा, मैं तो कुछ भी नहीं। तो जब हम अपने आप को एक सर्वेंट समझते हैं किसी भी काम के लिए, आप बच्चों को, आप फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो, आप अपने छोटे बच्चे को बहुत टेक केयर कर रहे हो, उसे पढ़ा रहे हो, खिला रहे हो, पिला रहे हो, पूरा ध्यान आपका उस समय है, वो बच्चा भी आपको बहुत प्यार करता है, लव यू मम्मा बोलता है, एक दिन उसने कुछ गलत किया, आपने उसको चटका दिया है गाल पे, उसके बाद उस बच्चे ने आपको कहा आई डोंट लव यू एनी मोर, आपको दुख होता है कि मैं तो उसके अच्छे के लिए बोल रही हूँ, राइट? तो इसी तरह मुझे भी दुख होता है जब हमारे जो ग्रुप मेंबर्स को अगर मैं कभी डांट दूं या कभी मैं उनको गलती समझा दूं और फिर वो मुझसे रूठ के चले जाते हैं या व्हाटएवर होता है। एक माँ को जैसे दुख होता है कि बाकी टाइम तक तो मैं अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करते थे, अब उनके हिसाब से एक बार बिहेव नहीं किया तो ऐसा हुआ। उस समय मैं अपने आप को सोचती हूँ मैं बस चैनल थी। और सेकेंड ये चीज भी है एंटाइटलमेंट। एक इंसान को उतना ही रिसोर्स दिया जाता है जितने के लिए वो एंटाइटल्ड है। जब वो एंटाइटलमेंट खत्म हो जाता है, रिसोर्स हटा दिया जाता है, तो फिर कोई और रिसोर्स मिल जाता है। तो जिन लोगों के लाइफ में मैं एज अ रिसोर्स थी फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, उतने तक का उनका एंटाइटलमेंट था, अब उनका एंटाइटलमेंट हो गया कोई और रिसोर्स पाने के लिए, कोई और पर्सन उनका टेक केयर करेगा अब, ठीक है, कोई और टीचर उन्हें समझाएगा, कोई और प्यार करने वाला होगा। इसलिए ना इस सब के लिए बुरा मत फील क्या करो, यहाँ पे किसी को भी लावारिस नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि मैं उनका ख्याल नहीं रख रही हूँ तो कोई और नहीं रखेगा, नहीं, सबका जैसे सब धर्म है ना, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से लोगों को धर्म दिया जाता है पैदा होने से पहले। जो लोग बहुत नॉनवेज खाना पसंद करते हैं उन्हें मुस्लिम बनाया जाता है कि खाओ, ऊंट खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ऑस्ट्रिच खाओ, जो खाना है खाओ। लेकिन जो लोग को खाना पीने का उतना वो नहीं है, उन्हें हिंदू धर्म या सनातन धर्म में लाया जाता है। जो मिडिल है उन्हें कोई और धर्म, इस तरह के कैपेसिटी, कर्मा, इंटरेस्ट, डिजायर के हिसाब से धर्म दिया जाता है। उसी तरह ये सब के बेसिस पे मेंटर्स दिए जाते हैं, इस ये टाइप के बेसिस पे रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं। तो देखो अनाथ किसी को नहीं छोड़ा जाता, ठीक है ना, यहाँ तक कि भूत प्रेत को भी अनाथ नहीं छोड़ा जाता। जो भूत प्रेत है उनके लिए भी शिव जी है कि भूत प्रेत को लाइन में रखने के लिए एटलीस्ट शिव जी ट्राई करेंगे। हाँ, तो ये मत सोचो कि हम अगर नहीं कर रहे हैं किसी का बेनिफिट तो उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसको अलग सोर्सेस से बेनिफिट मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका ईगो कंट्रोल में रहेगा। अगर आपको पेन होता है ना कि मैंने उसको इतना हेल्प किया, मैंने उसके इतना दुख दर्द सुना, मैंने हमेशा कोशिश की, यार आज उसने मेरा इंसल्ट कर दिया, या आज उसने मेरे साथ
अच्छा व्यवहार नहीं किया उस समय, ये सोचना उसका इतना ही एंटाइटलमेंट था कि आप एज ए रिसोर्स उसके लाइफ में रहे। जब एंटाइटलमेंट खत्म हो गया, अब बिरयानी खत्म हो गई तो चम्मच क्या करेगा ना, नहीं है, खत्म हो गया वो भी। उतनी बिरयानी थी उसके किस्मत में, अब उसके किस्मत में पाव भाजी है। तो ऐसा नहीं कि उसको कुछ खाने को नहीं मिलेगा, वैरायटी अलग रहेगी, ठीक है। अगर उसको फिर से बिरयानी चाहिए होगी तो वो उस टाइप का कर्मा करेगा, उसको फॉरगिवनेस करना होगा, उसे माफी मांगनी होगी, उसको अपना कर्मा चेंज करना होगा, वट एवर, वो उसके उसके ऊपर है, उसके स्पिरिचुअल मास्टर समझे। सो डोंट गेट एंटेंगल्ड। ये मैं क्यों कह रही हूं, बिकॉज जब ये पेन होता है हमारे अंदर, क्या कौन सा लोअर इमोशन का बीज में से पेड़ निकलता है, सोचो। डीप अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस, एंगर। तो वो क्या जिनको हमने हेल्प किया वो चैनल बन गए हमारे अंदर लोअर इमोशन के बीज को पानी देने के लिए। तो वी हैव टू बी सो केयरफुल। आपके अपने लोग ही वो बीच में पानी देते हैं, ऐसा तो नहीं है। आप कभी कभी सोचो, आपकी शादीशुदा बेटी है, वो फोन कर दे आपको, अपने प्रॉब्लम्स बता दे, आपका स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, टेंशन, आपकी तबीयत खराब होने लगती है। क्यों? बिकॉज आप उसके साथ डीपली अटैच्ड हो, मोह में बंधे हो। तो मोह जब होता है ना, वो ट्विंस के जैसे होते हैं, जुड़वा जैसे। एक बच्चा गिर गया तो दूसरा भी गिर गया, जुड़वा बच्चा। एक बच्चा रो रहा तो दूसरा भी रो रहा है। तो ऐसे जुड़वा बन के तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर वो स्ट्रेस्ड है तो हम अपनी डिविनिटी के साथ कनेक्शन मेंटेन करके रखकर, उसे राइट चीज बताकर हम मूव ऑन कर जाएंगे, हम डी एंटेंगल कर जाएंगे, हम उसमें फंसे नहीं रहेंगे। अच्छा, आपने पेट्रोल पंप देखा है? एक बात बताइए, जब कोई गाड़ी आती जिसमें पेट्रोल नहीं रहता, पेट्रोल पंप वाला क्या करता है? वो जो लंबा सा वो नोजल होता है पेट्रोल का, वो उसमें डाल के जितना पेट्रोल उसे चाहिए देके फिर वो हटा देता है, कि सारा दिन वो नोजल डाल के रखता है? ऐसा तो नहीं है ना। तो जब किसी का सोल स्ट्रेंथ कम है, जब परेशान है, उसमें पेट्रोल डाल दो फिर हटा लो। अपने आप को डीलिंक करना बहुत जरूरी होता है, अपने आप को डी एंटेंगल करना बहुत जरूरी होता है। उसको स्ट्रेस है तो आप भी सोच सोच के अपना भी पेट्रोल खत्म कर रहे हो। अच्छा, तेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हाय राम कितना खराब हो, मेरा भी पेट्रोल में लीक फेंक देती हूँ। इससे तो कोई मतलब नहीं है ना। आप भरो उसका पेट्रोल, फिर हटा लो नोजल, फिर आप उसके बारे में सोचना नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। मैं दिन में लगभग 20 से 25 लोगों के प्रॉब्लम सुनती हूँ, मेरे खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं उनको जो भी ज्ञान देना देती हूँ, जितना प्यार देना देती हूँ, उसके बाद मैं ब्लेस करके अपने आप को डीलिंग कर लेती हूँ। क्यों? बिकॉज अगर मैं उनके सारी परेशानियों में खुद को कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रखूंगी, मेरी बैटरी कम हो जाएगी, तो मैं हेल्प कैसे कर पाऊंगी। कोई कोई लोग, हाँ कोई कोई लोग कुछ ऐसे गड़बड़ कर देते हैं कि मुझे ज्यादा देर तक थोड़ी तकलीफ होती है। ये वो तकलीफ भी क्यों होती है? बिकॉज मेरा डीप अटैचमेंट के वजह से। डीप अटैचमेंट मतलब क्या होता है? एकदम कभी कभी रियलाइज नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है वो हमारे हैं, है ना। आप किसी को प्यार से कुछ समझा रहे हो, वो अचानक से कोई कांड कर दे तो टाइम लगता है समझने में। तो ये अवेयरनेस हमेशा लाना बहुत जरूरी है। जब भी आपके कोई नियर एंड डियर वंस कोई गड़बड़ करे, फर्स्ट थॉट आपके मन में आना चाहिए, वो इंसान मेरा नहीं है, उसको भगवान ने पैदा किया है, वो भगवान की जिम्मेदारी है, मेरा रोल है सिर्फ उसको 2 लीटर पेट्रोल डालना, क्योंकि इससे ज्यादा पेट्रोल मेरे पास है नहीं, फिर नोजल हटा देना और वेट करना दूसरे कस्टमर के लिए, चाहे वो मेरा कितना भी क्लोज क्यों ना हो। इससे आप अपने बैटरी को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, अपने सोल स्ट्रेंथ को बचा कर रख सकते हैं। और हमेशा जो मैं कहती हूं, यूनिवर्स ऊपर से हथौड़ा लेकर बैठी रहती है, जहां पे वो देखता है उसको इम्बैलेंस, मतलब आपको आपको ग्राफ पता है ना, कर्व, जहां पे कर्व ऊंचा हुआ वहां पे धाड़, मतलब अगर आप टू मच प्रेम करोगे किसी से, उस पे भी हथौड़ा पड़ेगा, टू मच नफरत करोगे उस पे भी हथौड़ा पड़ेगा। तो बेसिकली क्या रखना है, बैलेंस रखना है।
अपने माइंड को, अपने चक्रास को बैलेंस रखना है। ऐसा भी नहीं बनना है कि पत्थर हो जाओ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। रूपाली ने कहा डिटैच रहना है। डिटैच रहना मतलब ये नहीं होता कि यू विल बी कोल्ड, यू विल नॉट बी बॉदर्ड, आपको किसी से कोई मतलब नहीं। नहीं, वो एस्केपिज्म है। हाँ, ये मैं आपको समझाती हूँ। ये मेरी इंजीनियर से उस दिन बात हुई थी, तो मैं उनको समझा रही थी, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, तो आप लोगों को भी बोलती हूँ। हमारी टेंडेंसी होती है, कभी कभी मेरी भी होती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जब कोई इंसान बहुत परेशान कर रहा हो, बहुत क्लोज इंसान है जिससे हम प्यार करते हैं, बहुत परेशान कर रहा हो, और फिर हमें इतना स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिल रहा है, तो हम फंस जाते हैं। हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज हमें बोलता है कि हम उससे गुस्सा नहीं कर सकते, हम उससे नफरत नहीं कर सकते, हम जेलस नहीं हो सकते, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, और वो हमेशा हमारे दिमाग में आता रहता है। तब हम अपने आप को ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना बाबा, वो खुश रहे, वो अपने जिंदगी में खुश रहे। बोलते हो आप लोग सब? सच बताना, हाथ उठाओ। ओके, तो बोलते हो ना, ये होता है एस्केपिज्म। मतलब सपोज आपको एक मैराथन रेस दौड़ना है, आपके ऑफिस में से बोला है कि आपको मैराथन दौड़ना पड़ेगा, 2 किलोमीटर का सोच लो, 2 किलोमीटर का मैराथन है, मतलब आपको इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना ही पड़ेगा, और अगर आप ये मैराथन दौड़ोगे आपका प्रमोशन होगा, वरना आप उसी लेवल पे रह जाओगे। अब आपने दौड़ना शुरू किया, थोड़ी देर बाद आपने कहा हद तरीकी, मेरे को कुछ नहीं करना है, जिसको दौड़ना है दौड़े, जिसको जो करना करे, मेरे बॉस को जो सोचना है सोचे, मुझे कुछ नहीं करना है, बैठ गए। अब वो जो 2 किलोमीटर का मैराथन था, वो शायद आधे घंटे में, 1 घंटे में कंप्लीट करना था। अब आप वहीं पे 15 मिनट बैठे रहे, फिर अगर दौड़ने लग जाओगे तो ठीक है, तब तक काफी लोग आगे भी बढ़ गए होंगे, आप डेस्टिनेशन तक शायद नहीं पहुंच पाओगे, या आप बैठे रह गए, आपने कहा तेल लगा है मैराथन, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ सोचना नहीं है, तो क्या हो गया, ये मैराथन तो खत्म हो गया, अब आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट मैराथन के लिए, तभी जाके आपका प्रमोशन होगा। फिर दौड़ना तो आपको है ही, एक ना एक मैराथन में तो दौड़ना है। उसी तरह हमारा इनकार्नेशन होता है, हमारी हमारी लाइफ की स्टोरी होती है। हम जन्म से पहले हम जब अपनी स्टोरी लिखते हैं तो अच्छा हमें ये मैराथन दौड़ना है, हमें ये अचीव करना है उसमें। मैराथन मतलब हो गई हमारी लाइफ, इस पॉइंट से वो पॉइंट हो गए हमारे साल, कितने साल हम जिंदा रहेंगे, मतलब सपोज हमको 60 ईयर्स में ये अचीव करना है। स्टार्टिंग में हमने बहुत जोश के साथ दौड़ लगाई, 40 तक आते आते हम फुस हो गए, और हम तब ये वाला एटीट्यूड लेने लगे, जाने दो मुझे कुछ नहीं करना, उसको वो अपने घर में खुश रहे, मैं अपने घर में खुश हूं, मुझे कुछ नहीं सोचना है। मतलब आप मैराथन के बीच में बैठे हो, आपका ग्रोथ वहां स्टॉप हो गया, मतलब ये लाइफ में आप जो टारगेट लेकर आए थे वो आपका अचीव नहीं होगा, ये लाइफ हो गया वेस्ट। फिर आप मर गए, मर गए तो फिर आपको बोला गया, अच्छा आपको तो चांस मिला था, अभी लाइन में लगो, अभी 300 साल बाद आपको एक ह्यूमन बॉडी मिलेगा, मतलब नेक्स्ट मैराथन। ओके, समझ रहे हो? इससे इजी एग्जांपल मैं नहीं समझा सकती, फिर से सुन के फिर से समझो। तो आप एस्केप नहीं कर सकते हो, आपको वो चीज सीखनी होगी, आपको वो समझना होगा, आपको कंपैशन लाना होगा। जो इंसान आपको परेशान कर रहा है, आउटर फॉरगिवनेस में आप ठीक है उससे बात ना करो, आप उससे डिस्टेंस रखो, आप उसको अपने जिंदगी से निकाल दो, व्हाटएवर जो आपको पीस ऑफ माइंड के लिए जो लगता है लगता है, लेकिन हार्ट में अगर आपने गलती से उसके लिए हेट्रेड रखा या इस टाइप की फीलिंग रखी कि मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, उससे काम नहीं चलेगा। प्यार ही रखना पड़ेगा, कंपैशन ही रखनी पड़ेगी, काइंडनेस ही रखना पड़ेगा। मतलब आपने स्वीपिंग बिलो द कारपेट सुना है ना मुहावरा, मतलब आप अपने भाई को बोलो कि झाड़ू मारने को, और भाई वो कचरा सिर्फ कारपेट के नीचे रख दे और छुपा दे, बाहर ना फेंके, तो वो उस टाइप का काम होता है। हमको उस इंसान के प्रति सहानुभूति, प्रेम और काइंडनेस लानी ही पड़ेगी, उसके लिए इतने सारे लेक्चर्स हैं। तुमको तो, तुम लोगों ने तो सुना ही है क्या क्या करना है, फिर वो उसके लिए ये सोचना है कि वो भी अपने संस्कार के हिसाब से बिहेव कर रहा है,
उसके हिसाब से ये सही है, ये उसका दृष्टिकोण है, वो अलग है, वो गलत नहीं है। उसको ये सही लगा क्योंकि उसको वो जिस लेवल पे है खड़ा होकर, उसको आम के पेड़ का वो वाला आम दिख रहा है और मुझे दूसरे आम, दूसरा आम दिख रहा है। आप लोगों ने दर से छुट्टी थर्ड वीडियो तो देखी है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे ये सारे, सारा जो नॉलेज है, सारा अपने बीजी सेशंस में जो भी नॉलेज है वो पूरा लगा देना है उस इंसान के लिए सहानुभूति लाने के लिए, मतलब तब आप मैराथन रेस में अभी भी दौड़ रहे हो, अदरवाइज आप मैराथन रेस में एक पेड़ के नीचे बैठ गए हो। ये रियलाइजेशन आना बहुत जरूरी है, हम एस्केप नहीं कर सकते हैं। हर एक इंसान जिसने भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया है उसके पीछे उसके पास कारण था, रीजन था, कोई भी रीजन होगा, वो सही गलत रीजन हम नहीं जाएंगे उसमें, पर रीजन तो था। अगर कोई किसी को झापड़ मारता है उसके पीछे एक रीजन होता है, जरूरी नहीं जिसको झापड़ पड़ती है उसकी गलती है, नहीं वो इंसान पागल होगा, उसको उसको गाली पड़ी होगी, उसको भूख लगी होगी, उसका मानसिक संतुलन खराब होगा, उसके जिंदगी में उसने बहुत फ्रस्ट्रेशन झेला होगा, वॉट एवर, कोई ना कोई एक रीजन रहता है जिसके वजह से वो ये करता है, राइट। कोई भी आत्मा, हमेशा याद रखो, एक आत्मा प्योर होती है तो उसमें कुछ गुण होते हैं, ठीक है, शांत शांत रहना, प्योर रहना, कंपैशनेट रहना, लविंग रहना, ये उसके बेसिक गुण है। पर जब वो जन्म लेता है और वो ये कलयुग में पूरे सोल ऑन अ जर्नी कहते हैं ना हम, तो उसके एक्सपीरियंसेस से उसके संस्कार बनते रहते हैं, तो ये गुण वो खो देता है। तो जब वो गुण ये खो देता है वो बाहर ये गुण को ढूंढता है, मतलब आज अगर आप सामने वाले पे गुस्सा कर रहे हो क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता, बिकॉज आप वो प्यार खो चुके हो जो आप सामने वाले में ढूंढकर खुद में भरने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके अंदर वो दिव्य क्वालिटीज, वो डिवाइन क्वालिटीज है, तब आप सामने वाले से वो नहीं मांगोगे। आप मांग ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपके अंदर वो नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को अच्छी तरह समझो। जब हमें कहा जाता है कि हमें अंदर झांकना है, अंदर झांकने का मतलब क्या है, मतलब हमारे अंदर वो सारे चीजें मौजूद है जो एक आत्मा को कंप्लीट, परफेक्ट और प्योर बनाती है, लेकिन क्योंकि हम वो अंदर झांक नहीं पाते, हमारा हमारे खुद के साथ ही वो कनेक्शन नहीं है, इसीलिए हम बाहर ढूंढते हैं, मतलब हमारे रिश्तेदारों में, हमारे स्पाउस से, हमारे बच्चों से, हमारे फ्रेंड से हम ढूंढते हैं। जब नहीं मिलता है हमें दुख होता है। तो यही हम अगर अपने अंदर पा लेते हैं तो हमें कभी भी दूसरों से कंप्लेन रहेगा ही नहीं। मतलब अगर आपका पेट भरा हो तो क्या आप छोले भटूरे का दुकान ढूंढते फिरोगे? अगर आपका पेट भरा नहीं है तो आप छोले भटूरे ढूंढते फिरोगे? फिर अगर किसी दुकान में आपने खाया, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो आप गुस्सा करोगे उस पे? क्योंकि आपको वो टेस्ट से सेटिस्फेक्शन मिलने वाला था, आपका मन और आपका शरीर तृप्त होता। लेकिन आपका पेट अगर भरा है कंप्लीटली, आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो, आपको बहुत अच्छा खाना मिला है, तब आप ये भी नहीं करोगे और किसी को डांटोगे भी नहीं। तो क्या है रीजन? अंदर, अंदर ये सारी चीजों को ढूंढना। और अंदर हम किस तरह ढूंढते हैं? बाय मेडिटेशन, बाय चैंटिंग, बाय प्यूरिफिकेशन, जो अरहट योगा में सिखाया जाता है, ब्लू ट्रायंगल, इनर रिफ्लेक्शन, ये दोनों बहुत ही पावरफुल टूल्स है। क्योंकि ये हमारे जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी मतलब हमारा एक टेंडेंसी होता है, एक आदत, मतलब अगर मेरे अंदर टेंडेंसी है कि मैं गुस्सा करूं, कुछ भी गलत चीज देखो तो गुस्सा करूं, वो मेरे अंदर एक टेंडेंसी है। उस टेंडेंसी की वजह से मैं कितने फ्यूचर में बैड कर्मा क्रिएट करूंगी, और ये जो टेंडेंसी है वो मेरे पास्ट बैड कर्मा के वजह से है।
पास्ट में मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया, पास्ट में मैंने स्पिरिचुअलिटी नहीं की, पास्ट में मैंने दिल में कंपैशन नहीं लाया, तो मेरे अंदर ये जो संस्कार है, ये टेंडेंसी है, वो बढ़ने लगी, स्ट्रांग होने लगी, स्ट्रांग होने लगी। अभी मुझे इस टेंडेंसी को फाइट करने के लिए मुझे टूल्स मिले हैं। एक तो है वो टेंडेंसी को निकाल दो, ये जो सीड कहती हूँ ना मैं, वो निकल जाता है ब्लू ट्रायंगल और इनर रिफ्लेक्शन करते करते करते। रेड्डी सर कहते हैं कि अगर आप 3 महीने करो एक वर्च्यू पे ब्लू ट्रायंगल इनर रिफ्लेक्शन, तो 70% निकल जाता है। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हमें कहा जाता है एक एक वर्च्यू पे 3-3 महीने वर्क करने के लिए। फिर हम आज मैंने रवि सर से जब पूछा था इसके बारे में, रवि सर ने कहा कि हमारे जो मेंटल और इमोशनल उसमें जो मटेरियल होता है वो निकलता है थ्रू IRFR, BT और ये सब, और जो हमारा फिजिकल लेवल पे जो ये सब होता है वो मेडिटेशन और हीलिंग से निकलता है, कर्मा। तो मतलब बेसिकली ये सारी चीजें तो हमें करनी ही है। एक ये सब भी डिटेल में ना जाओ, एक सिंपल सी बात समझो, जो मैं मान के चलती हूँ, एवरीथिंग इज अबाउट एंटाइटलमेंट। मेरे साथ कुछ बुरा हुआ मतलब मैं एंटाइटल थी। मेरे कुछ रिलेशनशिप्स अगर अच्छे नहीं है तो ये मेरा बैड कर्मा है जिसके वजह से मेरे रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है। तो काम किसे करना है? मुझे करना है। हमेशा किसी और पे उंगली उठाने से पहले ये सोचो वो सामने वाले की औकात ही नहीं है आपको दुख देने की, अगर आप एंटाइटल्ड नहीं होते हो तो। है ही नहीं, वो राइट दिया ही नहीं है भगवान ने, ठीक है ना। वेरी सिंपल बात, आप एक कर्म करते हो वो पूरा ऊपर जाता है कार्मिक एजेंट्स के पास, कार्मिक एजेंट्स उसको पूरा एनालाइज करके उसके बारे में एक आउटपुट देते हैं कि हाँ इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या इसको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। वो शनिदेव के पास जाता है, शनिदेव उसे देखकर अप्रूव करके कृष्ण भगवान के पास फॉरवर्ड करते हैं, कृष्ण भगवान उस पर ठप्पा मारते हैं, सैंक्शन करते हैं, और फिर हमें वो भोगना पड़ता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब आप बताइए, ये तो हमारा कर्म ही हमारे पास वापस आ रहा है। अब इस कर्म को, ये पेन के लिए एक प्रोवाइडर तो होगा, एक व्हीकल तो होगा, चैनल तो होगा। अब वो जो सामने वाला आपको वो पेन दे रहा है, वो बेचारा एक चैनल था जिसके कर्मों के वजह से वो एक बैड चैनल बनना पड़ा उसको, उसके पास इतना गुड कर्मा नहीं था। हाँ देखिए, आपका जितना क्वालिफिकेशन होगा उस हिसाब से या तो आप लिमोसिन ड्राइव करोगे, हाँ, या बैलगाड़ी ड्राइव करोगे, ओके, ठीक है। तो वो आपके कर्मों के हिसाब से होता है, राइट। तो उसी तरह से हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमारे पास वो पेन आता है, और हमारे कर्मों के हिसाब से ही हम उस टाइप के चैनल बनते हैं, राइट। तो चैनल को हम ब्लेम नहीं कर सकते, इसको बार बार याद रखो। तो जो लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किसी का हाथ उठ जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, मतलब आपने अपने ऊपर इनर वर्क नहीं किया है सफिशिएंट अमाउंट। जो सीड था आपके अंदर वो पेड़ बन गया है। अब उस पेड़ को निकालने में जान निकलती है। तो सीड रहते रहते ही निकाल दो तो बेस्ट है, मतलब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते 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 करते। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मतलब उस सीड पे आप क्या डाल रहे हो, वो क्या कहते हैं उसको, हम लोग यहाँ पे वीडी साइड बोलते हैं, मतलब वीड्स का जो सीड, वो पूरा वीड्स मतलब होते हैं जो जंगली पेड़, वो वीडी साइड डाल दो तो वो मर जाते हैं। तो वो बेसिकली हम वीडी साइड डालते हैं अपने ऊपर थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कि वो वीड्स ही खत्म हो जाए, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और जो वो जेलसी वाली स्टोरी राधा कृष्ण वाली थी, तो वो उसमें बताया, जो मैं बता रही थी कि वो स्टेज बाय स्टेज होता है। जैसे मैंने नहीं बोला अपनी स्टोरी कि पहले ब्रांचेस तोड़े जाएंगे, फिर ट्रंक को तोड़ा जाएगा, फिर रूट तक आता है। तो राधा माँ का भी जो जेलसी है, ईर्ष्या है, वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो कृष्ण भगवान को किसी और के साथ नहीं देख पा रहे, और कृष्ण भगवान जानबूझकर इस टाइप से दिखा रहे कि वो किसी और को प्यार करते हैं, ऑल दैट, सो दैट वो पूरा अंदर से
निकल जाए उनका। लेकिन कुछ लेवल पे राधा माँ कंट्रोल कर पा रही है, तो फिर से एक और स्ट्रॉन्गर टेस्ट आ जा रहा है। हमारे जिंदगी में भी ये होता है, जैसे हमें लगता है ना, हाँ 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 अब मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर दिया, फटाक से एक ऐसा टेस्ट आता है उससे भी खतरनाक, फिर से गुस्सा निकल आता है, फिर लगता है फिर क्या किया था। तो हमेशा याद रखो, ये जो सीड्स होते हैं ना, ये प्याज जैसे होते हैं, अनियन जैसे, उसके ऊपर लेयर 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 पे लेयर। तो ऊपर का लेयर चला गया, फिर सेकेंड लेयर, फिर एक टेस्ट आएगा, फिर दूसरा लेयर जाएगा, ऐसे करते करते जितना जितना डीप जाएगा उतना उतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट होगा, उतना उतना तकलीफ ज्यादा होगा। तो आप वेट करना चाहते हो क्या कि ऐसे चैनल्स आए, ऐसी स्टोरी बने, फिर बैठे बैठे उनको फॉरगिव करो, कि आप पहले ही अवेयर होकर निकाल दोगे। तो एक अवेयरनेस करते हैं अभी, फिर मैं भगवद गीता से शुरू करूंगी। शांत होकर बैठिए, अपने अंदर झांकना है, और पास्ट में कभी भी कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, एनालाइज करो अपने लाइफ को। कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या आई है, सारे सिनेरियो याद करो। शायद आपके मम्मी ने आपके सिस्टर या ब्रदर की तारीफ की, आपको नहीं की, क्या उस समय दुख हुआ? तो वो जेलेसी थी। क्या आपके हस्बैंड ने किसी और के खाने की तारीफ कर दी, अगर दुख हुआ वो जेलेसी थी। क्या मैंने कभी किसी और मेंबर को अच्छा बोल दिया, आपको नहीं बोला, आपको दुख हुआ, वो जेलेसी थी। ऐसे करके एनालाइज करके देखो कि जेलेसी का सीड कब कब हिट हुआ, और अवेयरनेस लाओ कि हाँ, एक्सेप्ट करो, हाँ मेरे अंदर जेलेसी है। कभी हस्बैंड ने सास ससुर की तरफ से बोल दिया तो आपको बुरा लगा, वो जेलेसी थी। या जो भी हस्बैंड ये सुन रहे हैं, आपके वाइफ ने किसी और कलीग के साथ बात कर लिया, आपको बुरा लगा, वो आपकी जेलेसी थी। हम ये उसमें नहीं जाएंगे कि उस इंसान ने सही किया क्या गलत, वो इंसान कुछ भी करे, हमारे अंदर पेन हुआ ना, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे अंदर है, वो सीड कहाँ है, हमारे अंदर है। अवेयर हो जाइए, जितने बार गुस्सा आता है छोटे छोटे सिचुएशन पे भी, वो है सीड, गुस्से वाला सीड हमारे अंदर है। मेड पे गुस्सा आता है, कुत्ते पे गुस्सा आता है, बच्चे पे गुस्सा आता है, बस ड्राइवर पे गुस्सा आता है, सब्जी वाले पे गुस्सा आता है, हस्बैंड पे आता है, बीवी पे आता है, सास पे आता है, ससुर पे आता है, माँ बाप पे आता है, कहीं पे भी आता है, केजरीवाल पे आता है, राहुल गांधी पे आता है, मोदी पे आता है, किसी पे भी आता है। गुस्सा आ रहा है मतलब सीड है, या तो प्लांट है या तो पेड़ है, बरगद का पेड़ बन गया है। विक्टिम फीलिंग एक खतरनाक लोअर इमोशन, मेरे साथ बुरा हुआ, विक्टिम फीलिंग, मेरा तो किस्मत ही खराब है, विक्टिम फीलिंग, मैं बिचारी, मेरे साथ तो कभी अच्छा नहीं होता, विक्टिम फीलिंग, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, विक्टिम फीलिंग, मैं कुछ भी करने जाऊं मेरा बुरा ही होता है, विक्टिम फीलिंग। विक्टिम फीलिंग का पेड़ बहुत स्ट्रांग होता है, उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। सो बी वेरी वेरी अवेयर, केयरफुल रहिए कि आपके अंदर ये सारे इमोशंस, लोअर इमोशंस कब सीड से, कब पेड़ बन गए, कब पेड़ से महावृक्ष बन गए, ये आपको ध्यान देना होगा। मेरा काम है सिर्फ अवेयरनेस लाना। जब आपका अवेयरनेस आ जाए कि हाँ यार ये तो मेरे अंदर है, फर्स्ट स्टेप हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसी में जन्म लग जाते हैं। हाँ ये छोटी बात नहीं है, ये एक्सेप्ट करना, हाँ मेरे अंदर है, ये बहुत बड़ी बात है। अब क्या करना, उसे निकालना है, तो आपके पास टूल्स हैं, हीलिंग करिए अपना, साइकोथेरेपी, ब्लू ट्रायंगल, इनर रिफ्लेक्शन। अब आप कहोगे कि आपके पास तो झाड़ू है, झाड़ू है, लेकिन अगर आपको भगवान वैक्यूम क्लीनर की सुविधा दे रहे हैं तो क्यों नहीं खरीदना वैक्यूम क्लीनर। अपग्रेड करो अपने लेवल्स, हायर लेवल्स पे जाओ और स्ट्रांग टूल्स लाओ,
ठीक है ना, वैक्यूम क्लीनर से अपने आप को क्लीन करो। झाड़ू से सारा डस्ट कहाँ निकलता है? सोफा के कोने कोने में वैक्यूम क्लीनर से निकलता है, कोने कोने में छिपा रहता है हमारा लोअर इमोशन। अपग्रेड करो, ये आपके टू आपके बेनिफिट के लिए, किसका और क्या किसी का बेनिफिट होने वाला है इससे? आपके घर में वैक्यूम क्लीनर आएगा तो उससे किसी और का क्या बेनिफिट होगा? तो अपने टूल स्ट्रांग करो। भगवद गीता सेशंस रोज सोने से पहले एटलीस्ट 15 मिनट से आधा घंटा सुनकर सो जाओ। उससे क्या होगा, आप डिविनिटी से कनेक्टेड रहोगे। जब आप सेशन सुनते हो आपको अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उस समय आप डिविनिटी से कनेक्टेड हो जाते हो। तो जब आप डिविनिटी से कनेक्टेड होते हो मतलब आपके ऊपर वीडी साइड गिर रहा है। सोचो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वीडी साइड। अगर आपको वीडी साइड समझ में नहीं आ रहा तो आपको इंसेक्टिसाइड पता है ना, तो सोचो आपके पेड़ में अगर अच्छा वाला कोई पेड़ है, आपको उसमें कीड़े लग गए तो आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते हो तो वो उसका फ्लो बढ़ जाता है जब आप डिविनिटी से कनेक्टेड होते हो। तो वो जो लोअर इमोशन है ना वो ज्यादा उग नहीं पाता, राइट? वो ज्यादा फैल नहीं पाता है, रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो ये जरूरी है, इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जरूरी है। और सबसे बड़ा जो भी लोअर इमोशन है घातक, दैट इज सेल्फिशनेस। और ये सेल्फिशनेस मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स में देखी है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है आप लोगों के लिए। प्लीज ये सबसे पहले अवेयरनेस सेल्फिशनेस का अपने अंदर लाइए। आप ये ग्रुप में है सिर्फ लेने के लिए नहीं, नॉलेज लो लो, ब्लेसिंग्स लो लो, नहीं, आपको देना भी पड़ेगा। आप सिर्फ सांस लेते रहोगे सांस छोड़ोगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या देना होगा? जो प्यार आपको मिल रहा है वही प्यार आपको भी देना होगा, जो केयर आपको मिल रहा है वो केयर आपको भी देनी होगी। जब आप दोगे तभी आपको और मिलेगा। अगर आप सिर्फ लोगे तो एक एक टाइम के बाद वो सप्लाई बंद हो जाएगा। आप कोशिश करो सिर्फ सांस लेते रहने की कितने देर ले पाओगे सिर्फ सांस? अब जब तक छोड़ोगे नहीं फिर आप सांस ले नहीं पाओगे ना। तो वैसा ही होता है, सप्लाई बंद हो जाएगा, इसलिए देना बहुत जरूरी है। एंड ग्रेटिट्यूड, जो भी टाइम निकालकर आपका दुख दर्द सुन रहा है या व्हाटएवर आप जो भी बोल रहे हो, जो टाइम निकाल के सुन रहा है, उसे हक है आपको एडवाइस देने की, उसे हक है आपको डांटने की, ठीक? आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को कहते हो मुझे ये परेशानी है, डॉक्टर आपको दवाई तो देगा लेकिन उसके बाद डॉक्टर आपको डांटेगा भी कि तुमको आप बोला था ये मत खाओ वो मत खाओ, फिर से खाया फिर से बीमार हो गए, तो क्या आप डॉक्टर से रूठ जाओगे? ये बुरा डॉक्टर है, परेशान करता है। नहीं, वो अपना धर्म निभा रहा है। तो उसी तरह मैं या कोई सीनियर मेंबर्स अगर आपको डांट रहे हैं या आपको समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो, इसमें उसका हमारा भलाई नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है बताओ? हम तो कंसल्टेशन फीस भी चार्ज नहीं करते, डॉक्टर तो फिर भी कंसल्टेशन फीस लेता है, हमें क्या फर्क पड़ता है? आपके अच्छे के लिए हम बोलते हैं, इससे आपका फायदा हो, और आप आते हो हमारे पास इसलिए बोलते हैं। हम तो रास्ते में किसी को पकड़ पकड़ के प्रवचन नहीं देते हैं। जिन्होंने ग्रुप में एज अ मेंबर जो लोग ऐड हुए हैं, दैट मींस आपने कहा है हमको यू वांट टू ग्रो, आप हमारे छत्र छाया में ग्रो करना चाहते हैं, ठीक? ऐसा तो नहीं कि हम रास्ते में इधर आ तेरे अंदर ये लोअर इमोशन है आप तो जो ये निकालना पड़ेगा, हम तो ऐसा नहीं करते ना। आपने अलाउ किया है हमको, स्पेशली मुझे, कि आपके इम्प्रूवमेंट में हम हेल्प करें। तो अगर उसमें अगर हम कुछ कहते हैं आपको इतना बुरा लग जाता है तो आप खुद देखिए आपकी एनर्जीज कैसी है, इंटरनल एनर्जीज। बैलेंस करिए अपने इंटरनल एनर्जीज को। एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, क्या इससे रूपाली का कोई फायदा हो रहा है? क्या इससे आनंदिता का कोई फायदा हो रहा है? क्या इससे ममता का कोई फायदा हो रहा है? बट फिर भी वो बुरा बनकर, सबको अच्छा लगता है ना अपना इमेज एकदम मस्त रखने का, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं एकदम स्वीट स्वीट इमेज रखूं अपना, कि आप लोग बोला कितनी स्वीट है रूपाली, पर मैं ऐसा नहीं करती हूं, मैं बुरी बनती हूं। मैं आप लोगों के अंदर कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखता है तो मैं पॉइंट आउट करके बोलती हूं कि ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे दिखता है बाद में क्या बड़ा प्रॉब्लम आपके लाइफ में आने वाला है, उससे आगाह करती हूं मैं। पर उस समय अगर आप मुझसे नाराज हो जाओगे
तो इससे नुकसान किसका होगा? देखो, दुखी लोगों की तो कमी है नहीं, आप चले जाओगे तो कोई और दुखी आ जाएगा, राइट? दुखी की कमी तो है नहीं, दुख हटाने वालों की कमी है। तो अपने रिसोर्सेस को अप्रिशिएट करो, बी ग्रेटफुल, क्योंकि कब ये रिसोर्स हट जाए आपको पता नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल, यू हैव टू बी थैंकफुल, यू हैव टू बी पोलाइट। यही हमें भगवान के साथ भी करना होता है, यही हमें मास्टर के साथ भी करना होता है। आप दो नारियल चढ़ाओगे कृष्ण भगवान को और बोलोगे कि आपने मेरे बेटे को अच्छे मार्क्स क्यों नहीं लाए जो मैं कल से पूजा नहीं करती, भगवान क्या गाना गाएंगे? इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है? भगवान यही बोलेंगे ना, गाना तो सुना होगा आप लोगों ने। तो ये हमेशा याद रखो कि हमें जरूरत है स्पिरिचुअलिटी की, हमें जरूरत है भगवान की, हमें जरूरत है मेंटर्स की, हमें जरूरत है मास्टर की। तो हमें सर झुकाना होगा, ओके? क्योंकि इससे हमारी लाइफ को बेनिफिट मिलेगा, उनके लाइफ को नहीं। उनको जो मिलना मिल चुका है, और उनको हमने तो कोई और हो जाएगा। जैसे डिवाइन प्लान, मास्टर का जो डिवाइन प्लान है वो विथ और विदाउट अस तो होने ही वाला है, हेवन ऑन अर्थ तो आने ही वाला है। हाँ, अगर हमने उसमें कोऑपरेट किया, हमने अगर उसमें अपना सपोर्ट किया, हमने अपना परिश्रम किया, तो इसमें हमारा बेनिफिट है। मास्टर के तो बैकअप प्लान्स हैं ही, हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। तो ये गलत फहमी में मत रहो कि अगर हमने नहीं किया तो प्लान नहीं एग्जीक्यूट होगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो डिवाइन प्लान, वो हमारे बगैर भी एग्जीक्यूट होगा। हाँ, लेकिन बहती गंगा में अगर हमने हाथ धो लिया तो कुछ हमारा पुण्य हो जाएगा। गंगा तो बहने ही वाली है यहां से वहां तक, तो ये सारे प्लान्स तो एग्जीक्यूट होने ही वाले हैं। तो जितने जल्दी डैमेज कंट्रोल कर सकते हो उतना जल्दी डैमेज कंट्रोल करो, और उसके लिए ईगो को एकदम खत्म कर दो। फॉरगिवनेस साधना करके, प्रॉपर अप्रोच लेकर, एकदम साष्टांग प्रणाम करके, जिन जिन लोगों ने भगवान कृष्ण के साथ अपना गुस्सा जताया है, ये बिजनेस किया है, प्यार तो नहीं कहेंगे इसको, बिजनेस। जब तक भगवान तुम्हारी सुन रहे थे, तुम लोग खूब हरे कृष्णा कर रहे थे, वाह वाह कृष्ण, और जैसे लगा कि नहीं लाइफ में अभी आगे नहीं बढ़ रही गाड़ी, कुछ तो गड़बड़ है, अरे कौन करेगा आजकल, तो मेरा मन ही नहीं लगता स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। ये आप लोगों का पेटेंट डायलॉग है ना, क्या करूं रूपाली आजकल मन ही नहीं लगता। हाय, कैसा टाइप का प्यार था आपका? और फिर मैं आपको डांटू तो आपको मन नहीं लगेगा रूपाली से ये बात करने के लिए। जो रूपाली आप लोगों की फेवरेट हुआ करती थी, अब रूपाली अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रूपाली सही चीज दिखा के डांट देती है। तो अवेयरनेस लाकर अपनी अपनी गलतियां तो सुननी होगी, समझनी होगी, अगर ग्रो करना है तो। मुझे भी गलतियां दिखाई जाती है, कृष्ण भगवान मुझे खुद ही डांट देते हैं, खुद ही बोलते रूपाली इसमें तेरा फॉल्ट, ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए। फिर मैं सर खुजा खुजा के पहले तो नॉलेज को समझने की कोशिश करती हूँ, फिर उसको चबा चबा के डाइजेस्ट करती हूँ, फिर उसका सिंप्लीफाइड वर्जन निकाल के आप लोगों को बताती हूँ। ये सारे जो मेरे एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो वही बताते हैं मुझे जब मैं उन्हें कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, वो डायरेक्ट मुझे ये बोलते हैं, नहीं 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 रूपाली बात ये है, अच्छा फिर मैं समझती हूँ, अच्छा बात ये है तो फिर मैं समझाती हूँ। तो ये मेरा काम है कि मैं डिफिकल्ट नॉलेज को सिंप्लीफाई करके आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश करूं। अगर मेरा दिया हुआ नॉलेज भी आपको डिफिकल्ट लगता है, तो आप आनंदिता और इंद्रनील से बात करिए, वो उसको और सिंप्लीफाई करके बोलेंगे। फिर भी आपको नहीं समझता है तो फिर आप ममता से बात करिए, ममता एक सर पे हथौड़ा मारेगी और सब घुस जाएगा दिमाग में, बस कुछ, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, इतना ही मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ, फिर आप क्वेश्चन भी भूल जाएंगे। हाँ नहीं, ये मैं अप्रोच आपको बता रही हूँ। कभी कभी होता है ना कि आप लोग शर्माते हो मुझसे पूछने की कि रूपाली को क्यों परेशान किया जाए, तो आप लोग बाकी लोगों को परेशान कर सकते हो, क्योंकि जब वो आपको समझाएंगे तो उनका भी फैकल्टी इम्प्रूव होगा। ट्राई करो, सबको अप्रोच करो, गलती से सही कुछ भी बोले वो एटलीस्ट सोचेंगे तो। वरना क्या होता है, ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछता है तो सब जैसे एक गुफा में घुस के बैठ जाते हैं,
अरे बाप रे, कौन बोलने जाएगा बाबा, गलत हो गया तो? किस बात का डर है? गलत बोलो ना आप। गलत बोलोगे तभी तो सुधारा जाएगा, तभी तो आपको समझेगा, वरना वो गलत ही तो सोच सोच के आपकी जिंदगी निकल जाएगी। होने दो ना गलत। अगर परफेक्ट होते तो हम आते क्या धरती पे? नहीं आते ना। सीखने ही तो आए हैं। सीख ही तो रहे, ग्रुप में क्यों हो आप? सीखने के लिए तो हो ग्रुप में। कोई भी क्वेश्चन पूछता है, ट्राई टू आंसर। अगड़म बगड़म जो दिमाग में आए लिखो। फिर तो मैं हूं ही करेक्ट करने के लिए। पर मुझे अच्छा लगता है कि आप भगवत गीता सेशन समझ तो रहे हो। फिर मुझे, या तो फिर कैसे होगा बताओ, कैसे समझ में आएगा कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, आपके वीकली ऐसे ऐसे मुझे समझ में आ जाता है बहुत हद तक कि आप कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो। लेकिन आप ना ऊपर के सतह पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, डीप में नहीं कर रहे हो। लेकिन डीप में इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बची हुई है, क्योंकि आप इतना थिंक नहीं करते हो। आप भगवत गीता सेशन सुनते हो ये सोचने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा बाबा, ये मत सोचो ना। फिर आप मैराथन में वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हो। दौड़ना तो है ही, आज नहीं तो कल दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो 300 साल वेट करना पड़ेगा। तो दौड़ो ना, अभी रिसोर्सेज मिल रहे, दौड़ो, हो जाएगा। एज यूजल मैंने सोचा था छोटा बनाऊंगी, बट नहीं। खैर, तो हम आते हैं भगवद गीता मेन, एक्चुअली वो वाले पैराग्राफ में। हमने अहिंसा के बारे में पढ़ा, नॉन वायलेंस। अब हम पढ़ते हैं समता। समता मतलब इक्वानिमिटी, रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट एंड अवर्शन। टू बी वेरी मच अटैच और टू बी वेरी मच डिटैच इज नॉट द बेस्ट। दिस मेटेरियल वर्ल्ड शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट अटैचमेंट और अवर्शन। दैट विच इज फेवरेबल फॉर प्रोसिक्यूटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड बी एक्सेप्टेड। दैट विच इज अनफेवरेबल शुड बी रिजेक्टेड। दिस इज कॉल्ड समता और इक्वानिमिटी। अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज नथिंग टू रिजेक्ट, नथिंग टू एक्सेप्ट, सेव इन टर्म्स ऑफ इट्स यूजफुलनेस इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि ना, मतलब बैलेंस रखना है, इक्वानिमिटी बैलेंस, मतलब ना ही ज्यादा अटैच होना है, ना ही ज्यादा अवर्शन चाहिए। मतलब जैसे मैंने बताया, डिटैचमेंट का मतलब यहाँ पे वो चीज नहीं है, मतलब एस्केपिज्म, कोल्ड फीलिंग कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे देखना ही नहीं उसके तरफ, मुझे सोचना ही नहीं, दैट इज नॉट डिटैचमेंट। तो हमें तो इसको इजी करके किस तरह बोल दिया, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के रास्ते पे जो चीज फेवरेबल है उसे एक्सेप्ट करो, जो अनफेवरेबल है उसे रिजेक्ट करो। सिंपल, क्या सही क्या गलत में ना जाओ। अगर वो चीज तुम्हारी कृष्णा कॉन्शियसनेस में फेवर कर रही है उसे एक्सेप्ट करो, अगर वो फेवर नहीं कर रही उसे रिजेक्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट है तुष्टि, मतलब सेटिस्फेक्शन। मीन्स दैट वन शुड नॉट बी ईगर टू गैदर मोर एंड मोर मेटीरियल गुड्स बाय अननेसेसरी एक्टिविटी। दिन भर काम कर करके पैसा कमाना और उसके बाद एक दिन फट से मर जाओगे, तो क्या हो गया? अतः अगर हम मैराथन रेस में देखें तो हमने स्टार्टिंग से ही नींबू पानी, ये पानी, वो जूस, ये एप्पल, वो सब भरा अपने पूरे बैग में भरा कि हमको मैराथन रेस लड़ना है। और करते करते देखा रेस ही खत्म हो चुकी, टाइम ही खत्म हो गया, हम वही बटोरने में लग गए। ठीक है, इतना सारा नींबू पानी का बॉटल लिया कि शायद हमें जरूरत पड़ेगी एंड तक, पर हम एंड तक रेस दौड़ ही नहीं पाए क्योंकि रेस ही खत्म हो गया, टाइम ही चला गया, तो क्या फायदा हुआ? तो वो भी बैलेंस रखना है हमको, सेटिस्फेक्शन रखना है हमको। वन शुड बी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर इज ऑब्टेन बाय द ग्रेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फेक्शन। तपस मीन्स ऑस्टेरिटी और पेनेंस। देर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन इन द वेदास विच अप्लाई हियर, लाइक राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टेकिंग बाथ। समटाइम्स इट इज वेरी ट्रबलसम टू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, बट वॉट एवर वॉलेंटरी ट्रबल वन में सफर इन दिस वे इज कॉल्ड पेनेंस। तो इसमें यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है कि सुबह उठकर नहाना, राइजिंग अर्ली होकर पेनेंस करना, मतलब आपका पूजा पाठ, मेडिटेशन, चैंटिंग जो भी करना है वो सुबह उठकर करने के लिए कहते हैं। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि सनराइज के 1.5 घंटे पहले से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है बेसिकली। हाँ, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी करते हो उसका आपको एम्पलीफाइड रिजल्ट मिलता है, मतलब आप बहुत बेटर वैसे कनेक्ट हो सकते हो भगवान से। उस समय जो अर्थ की वाइब्रेशंस भी होती है ना, वो काफी सटल होती है क्योंकि उतने ज्यादा थॉट्स की वाइब्रेशंस नहीं होती। एक बार लोग उठ जाते हैं तो सब सोचने लगते हैं, तो थॉट वाइब्रेशंस बहुत भर जाते हैं,
तो ब्रह्म मुहूर्त होता है बेस्ट, सनराइज के 1.5 घंटे पहले से स्टार्ट होता है। उसमें अगर आप कुछ भी करते हो तो इट इज वेरी बेनिफिशियल। ये मैं हमेशा करती हूँ, मेरे यहाँ सनराइज वैसे भी लेट होता है, लेकिन जब मैं इंडिया में भी थी मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के चैंटिंग करती थी। मैं तुलसी के पास बैठती थी, वहां एक वो जलाती थी अगरबत्ती, और मैं वहां बैठ के चैंटिंग करती थी, और वो जो सुकून मुझे मिलता था, वो जो शांति मुझे मिलती थी, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ करता था। स्टिल मिस इट। मेरी बैल्कनी में बहुत ही बड़ी तुलसी थी, एकदम घना वाला, जबकि किसी के यहाँ पे तुलसी टिकती नहीं थी हमारे सोसाइटी में, वो वाइट कीड़े हो जाते थे, पर मेरी तुलसी टचवुड बहुत अच्छी रहती थी। तो वहां पे बैठकर, क्योंकि तुलसी से होकर जो हवा आती है वो इतनी शुद्ध हवा आती है, वो मेरे घर के अंदर घुसती थी, और सुबह कोई भी नहीं रहता था, तो मैं शांति से बैठ के, मैं सोफा रखा हुआ था अपने बालकनी में, और मैं वहां बैठ के चैंटिंग करती थी, तो मैं पूरी फोकस्ड और कनेक्टेड रहती थी, और उससे मुझे बहुत बेनिफिट भी मिला था। क्योंकि एक बार सुबह हो जाओ, फिर हम जब अपने डेली काम में घुस जाते हैं ना, तो हमारे वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं, तब हम उतना फोकस नहीं कर पाते। तो सबसे पहले उठकर ही ये कर लो तो बहुत अच्छा होता है। सिमिलरली देर आर प्रिस्क्रिप्शंस फॉर फास्टिंग ऑन सर्टेन डेज ऑफ द मंथ। वन मे नॉट बी इंक्लाइंड टू प्रैक्टिस सच फास्टिंग, बट बिकॉज ऑफ His determination to make advancement in the science of Krishna consciousness, he should accept such bodily troubles where they are recommended. However, one should not fast unnecessarily or against Vedic instructions. One should not fast for some political purpose that is described in Bhagavad Gita as fasting in ignorance. And anything done in ignorance or passion does not lead to the spiritual advancement. Everything done in the mode of goodness does advance one, however, and fasting done in the terms of the Vedic injunction enriches one in spiritual knowledge. ये important चीज बोला गया है fasting के बारे में। देखो, हम लोगों ने animals में देखा है, जब कोई animal बीमार होता है ना, वो खाता नहीं है। हम इंसान बीमार होकर भी डाइजिन पीपी के खाना खाते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारी गलती होती है। फास्टिंग एक ऐसी चीज होती है जो हमारे पूरे बॉडी को प्यूरिफाई कर देती है, डिटॉक्स कर देती है। फास्टिंग रिकमेंडेड इन एज साइंटिफिक, इज रिकमेंडेड साइंटिफिक। वो हमारे एजिंग प्रोसेस को भी रोकती है, वो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी देती है, हमारे ऑर्गन्स को भी आराम मिलता है। पर इंडिया की फास्टिंग, अरे बाप रे बाप, जिस दिन फास्टिंग हो उस दिन हजार टाइप के पकवान बनते हैं। उस टाइप की फास्टिंग की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। ओके, उपवास मतलब भगवान के पास वास, मतलब फालतू चीजों में टाइम ना वेस्ट करके, किचन में टाइम ना वेस्ट करके भगवान के का नाम जप करना और ज्यादा भगवान के रिलेटेड टाइम यूटिलाइज करना इज एक्चुअली फास्टिंग। और जो रिकमेंडेड है उसी दिन फास्ट करना चाहिए, मतलब जो वैदिक इंस्ट्रक्शंस में बोला गया, जैसे आपका हो गया एकादशी हो गया, उसके बाद आपके शिवरात्रि हो गया, फिर हो गया जन्माष्टमी, और भी जो 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 जब जब फास्टिंग बोला गया, उसके अलावा अगर आप फास्ट करते हो दैट इज बैड कर्मा। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए, दशमी के दिन कभी फास्ट नहीं करनी चाहिए। दशमी के दिन अगर आप फास्ट करते हो तो स्क्रिप्चर्स में लिखा है आप हेल में जाते हो, तो उस दिन कभी फास्ट मत करना। तो एकादशी जब आप करते हो, एकादशी का पहला दिन दशमी आता है, राइट? तो हमेशा वैष्णव कैलेंडर फॉलो करके देखो, कभी कभी दशमी नेक्स्ट डे तक एक्सटेंड करता है, तो इसीलिए हम द्वादशी को उस दिन फास्ट करते हैं। तो अपना मन घड़ंत मत किया करिए। और मुझे पता है हमारे रिश्तेदार परम ज्ञानी हैं, हमारे आसपास के लोग पड़ोसी परम ज्ञानी हैं, लेकिन हमेशा उनका ज्ञान फॉलो करो, जिनको आप देखो कि उनके एक्शंस किसी के जिंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पा रहा है। फॉलो करना, तो एक ऐसे इंसान को फॉलो करो जिसने अपनी जिंदगी में भी सच में एक पॉजिटिव चेंज लाया है, और जो दूसरों की जिंदगी में भी पॉजिटिव चेंज ला पा रहा है। ओके, कभी भी ब्लाइंडली कुछ फॉलो मत करो, भले आपका रिश्तेदार बहुत सारे सफेद बाल हो, डजंट मीन कि वो ज्ञानी है, या डजंट मीन उसको सब कुछ पता है। वैलिडेट द ट्रुथ। एक ट्रुथ जानना पता है क्या होता है, उसके 7 लेवल्स होते हैं और 7 डायरेक्शंस होते हैं, मतलब टोटल 49 वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ ट्रुथ। तो इसीलिए हम कभी हमें इस तरह से जज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप अगर स्क्रिप्चर्स में कुछ बोला गया है,
तो कुछ रीजन होगा ना, डेफिनेटली कुछ रीजन होगा. इतने ज्ञानी, इतने सारे लोग जो कर रहे हैं, जो मतलब साधु संत कर रहे हैं. अगेन इंडिया में अरे चलता है ना, चाय पी के करते हैं. एकादशी में चाय कॉफी अलाउड नहीं है, लेकिन आधी इंडिया वैसी एकादशी करती है. अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा खा ले शाम को और भगवान माइंड नहीं करते. अरे इतने देर तो कर लिया. ये सारे जो आप लोगों के आसपास के लोग आपको ये सब बोलते हैं, तब आपको खुद पे कंट्रोल रखना जरूरी है. आप फास्ट क्यों कर रहे हैं? भगवान के लिए फास्ट आप नहीं कर रहे हैं फर्स्ट थिंग. एक भगवान को अच्छा नहीं लगेगा अपने बच्चे को भूखा देखने में. सच बता रही, भगवान को इसमें इंटरेस्ट नहीं है. हम फास्टिंग कर रहे हैं अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और अपना सेंस ऑर्गन पे, ऑर्गन्स पे कंट्रोल स्ट्रांग करने के लिए. फास्टिंग का मतलब समझिए आप. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स इस तरह दौड़ते रहते हैं ना, जो हमें कंट्रोल करते हैं, हम महीने में दो बार दिखा देते हैं कि वी आर इन कंट्रोल, यू आर नॉट. एकादशी का फास्ट करके हम दिखा देते हैं आपका सेंस ऑर्गन कंट्रोल में है कि नहीं, क्योंकि फिर वो बगावत कर देता है ना. वी नीड टू शो देम वी आर इन कंट्रोल. इसमें भगवान को कुछ नहीं है. भगवान क्या बोलेंगे? भगवान बोले खाना है खाओ, मेरे को क्या, ना खाना ना खाओ. तो ये हमेशा क्लियर रखो अपने विचार. हम फास्टिंग खुद के लिए कर रहे हैं सो दैट हम इतने प्यूरिफाइड हो जाएं. हाँ, और जो कुछ कुछ दिनों के फास्टिंग में बोला जाता है कि पहाड़ पहाड़ पाप बर्न होता है. अब देखो क्रिकेट मैच में भी अगर सिर्फ ऐसे ही होता कि एक रन ही ले सकते हो दौड़ दौड़ के, सिर्फ दौड़ दौड़ के रन ले सकते हो, मजा आता क्या? नहीं. ये प्रोविजन भी दिया गया है कि अगर बॉल उसके बाउंड्री के बाहर चली गई तो सिक्स हो जाएगा. तो उसी तरह हम रोज तो थोड़ा थोड़ा पाप कम कर रहे, थोड़ा बढ़ा रहे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेज पे फास्ट करने से वो होता है सिक्सर, मतलब एक झटके में दो पहाड़ पाप खत्म, दो इनकार्नेशन का पाप खत्म, या पांच इनकार्नेशन का पाप खत्म. प्रॉपरली क्या तो प्रॉपरली एज पर द रूल्स, और रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है. रूल्स में तो यही, पूरी रात भी आप सो नहीं सकते हो, तो वो सब तो हम सुनते नहीं है. थोड़ा थोड़ा करके चलो, पहाड़ नहीं एक पत्थर वाला पाप ही कम हो, पहाड़ का एक पत्थर. पर कुछ तो कर रहे हैं, और फिर स्लिम एंड ट्रिम भी रहेंगे. अपने अपने सब तोंद देखो, अगर लगता है बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब सोचो कि ऑरा लाइन पे लाना है उसे, तो क्या करना होगा, बीएमआई अपना मेंटेन करना होगा. हाँ, तो एनीवे मुझे लगता है आई शुड स्टॉप हियर. राइट, तो फास्टिंग वाले पे हम अभी स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट टाइम पे फिर हम जाएंगे चैरिटी पे, चैरिटी पे डिस्कशन करेंगे. कोशिश करूंगी मैं जल्दी जल्दी भगवत गीता सेशन करने की, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन आप लोग सुनते हो फटाफट तो फिर मजा आता है ना. टाइम लगाते हो फिर मजा नहीं आता. फटाफट सुनो तो मैं हर हफ्ते कर लूँ, हर हफ्ते बैठ जाऊं करने. तो फटाफट आप लोग अपने अपने रिमार्क्स लिखो, क्वेश्चंस पूछने, क्वेश्चंस पूछो, सब यूट्यूब में कमेंट करो, यूट्यूब में कमेंट करो, लाइक करो, तो मुझे दिखता है कि किस किस ने एटलीस्ट सुना है. 10-15 हमेशा वाले ही लाइक करते हैं, फिर लगता है अच्छा इनको तो वैसे ही पता ही है, रोज ही मैं बोलती रहती हूँ. राइट, तो एटलीस्ट आप लोग वो करोगे तो फिर मुझे भी लगेगा कि हाँ आई शुड जल्दी जल्दी मैं करूं भगवद गीता सेशंस. क्वेश्चन से पूछो, देखिए आपका ग्रोथ है, आपको क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ेगा. मुझे आंसर नहीं पता होगा, मैं कहीं से आंसर पता करके बोलूंगी, बट इससे आपकी भी ग्रोथ होगी, मेरी भी ग्रोथ होगी. ठीक है, तो हम लोग अभी ब्लेस करते हैं. मे ऑल आवर ग्रुप मेंबर्स, बोथ द ग्रुप्स, ऑल द पीपल हु आर फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऑल द पीपल हु आर फॉलोइंग योग प्राण विद्या, all our family members, our close associates, our friends, all our well-wishers, and Mother Earth be blessed with good vibrations, with divinity, with positivity, with inner forgiveness. May we all fulfill the project of our incarnation. May there be peace in the world. May all the energies causing terrorist activities be completely neutralized. May all the politicians gaining by spreading negativity, may they get connected to divinity. May they stop spreading hatred. May they stop spreading wrong information. May the right thing be done
May the evil be contained by whatever means required. May the negativity be neutralized by whatever means required. May all the people who are hearing the Bhagavad Gita session, who have heard the Bhagavad Gita session, be blessed so that they get entitled to receive this opportunity every time. May we all get connected to divinity and may we implement the Bhagavad Gita's learnings in our everyday life, every minute, every second of our life. Lord Krishna, thank you for your immense help and support and guidance. Please protect us from spiritual pride and spiritual fall. Please protect us from all the lower emotions. Please help us to get rid of all the lower emotions in this incarnation itself. We are blessing all our channels who have played their role. May all of you be blessed with divine knowledge, divine connectivity, with peace, with success, with love. Thank you for coming in our life and accepting to be a good or a bad channel. We completely forgive you and we let go of any negativity or grudge in our heart against you. You played the role of a channel perfectly. We understand it now. We have no grudge. We have no anger towards you. May God bless you. May you become a positive channel henceforth. So be it. Theek hai, wish you all a very nice weekend. Enjoy karo aap log. Spirituality karo. Khush raho. Spirituality enjoy karne ki cheez hai. Mar mar kar dar dar ke nahi. Theek hai. Har ek sentence jo Bhagavad Gita session mein aapne aaj suna hai. Samajhne ki koshish karo. Discuss karo. Isi liye ye group bana hai. कि हर एक चीज को आप properly समझ सको. कोई नाराज नहीं होगा, कोई नाराज होता भी नहीं है. हम लोग mind नहीं करते हैं repeatedly समझाने में, इससे हमारा ही knowledge और perfect होता है. तो वो सब आप hesitation मत करो. आपका approach बस proper रहे, हम भी पूरी मेहनत और जान लगा देंगे आपके growth में. हम as a family एक दूसरे को उठाकर ही चलेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे. Okay, take care all of you, love you all, bye bye, good night.